ठीक है। सो आप सब लोग होपफुल आप सब अच्छे होंगे। और अब हम जा रहे हैं अपनी नंद के यहाँ, सिस्टर इन लॉ के यहाँ, बच्चों की बुआ के यहाँ पे। मी सिस्टर है वो, ये उनको सिस्टर बोलता है क्योंकि वो बच्ची सी लगती है, मुझे मतलब स्पार्ट अभी कर ऐसा सकती लगता है है। कि इनकी मैरिज भी नहीं हुई है। तो कुकू बोलता है कि मेरी बहन, उनको अम्मी बुआ ना बोल ज्यादा के वर्षा वर्षा और मेरी बहन बहन बोलता है। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे, और मैंने वियर किया है ये सूट मजेंटा कलर, जो कि मुझे बहुत प्यारा कलर लगता है, और इस कलर की मैं साड़ी भी लेना चाहूँगी। और आज मैंने दिए अपने बहुत सारे सूट सिलने के लिए, वो मैं दिखा नहीं पाई, सॉरी, बट वो सिल कर आ जाएंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने कौन सा गला, मतलब कैसे बनवाया है गले का डिज़ाइन और ब्लाउज़ और सूट का। और ये देखो मेंटल, ये क्या हरकतें करता रहता है, ये मेरी सारी वीडियो बिगाड़ देता है ऐसी ऐसी हरकतें करके, बट हाँ डांस अच्छा करता है। तो आप लोग, एक वीडियो मैंने इसकी डाली है, तो आप लाइक ये लोग सब्सक्राइब प्लीज़, कीजिए। मैंने भी एक इसमें ये चूड़ी, क्योंकि इस कलर की इसमें मेटल में कोई चूड़ी नहीं मिली मुझे बैंगल्स, तो मैंने ये पर्पल कलर की है। और यहाँ पे ये मैंने वियर किया है, ये मुझे मेरी नंदनी दिया है, सिस्टर इन लॉ ने। कब दिया था, शायद जैतून रक्षाबंधन पे, नहीं रक्षाबंधन पे लेकर आई थी, तो दी ऐसे ही कड़े, या हमारे लिए रक्षाबंधन पे या तो कड़े लेकर आती हैं या फिर इस टाइप के कोई ब्रेसलेट वगैरह, मतलब तो जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके। उन्होंने अभी तक जितने भी हमें दिए हैं ना कड़े वगैरह रक्षाबंधन पे, तो वो सभी बहुत प्यारे हैं, मैं हमेशा उनको वेयर करती हूँ। और ये देखिए मैंने नेल पेंट लगाया है यही मैचिंग का, बट मेरा जो पुराना नेल पेंट था ना इसके अंदर ब्लैक कलर का, वो ऐसे का ऐसा ही है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। एक्चुअली मुझे नेल पेंट का शौक नहीं है बिल्कुल भी, और मुझे बहुत आलस आता है नेल पेंट हटाने में और लगाने में, तो इसलिए मैंने इसी के ही ऊपर लगा लिया। ये देखिए कोई बात नहीं, कौन इतना ये तो डिज़ाइन भी लग रहा है ना, नहीं लग रहा बट कोई बात नहीं। और टाइम पता है कितना हो गया, टाइम हो गया है 9:30। आप लोग भी ये बोलोगे कि इतनी लेट कोई जाता है क्या, बट हम इतनी लेट ही जाते हैं जब भी जाते हैं कहीं पे, बहुत लेट हुए हैं हम, बहुत लेट लेट जाते हैं। तो कहीं फंक्शन में या मतलब मामा जी के यहाँ पे, इनके मामा जी के यहाँ पे या वर्षा दीदी के यहाँ पे, तो जब भी हम जाते हैं तो बहुत लेट जाते हैं, हम जल्दी कभी गए नहीं। तो वो भी बेचारे, उनको सबको पता है कि ये लेट ही आएंगे, तो वो भी लेट ही करते हैं अपना। तो इसलिए हस्बैंड जी गए हैं बाहर, अभी कह रहे हैं मैं 10 मिनट में आया, बट अभी तक नहीं आए हैं। और आज है मैक्सू का बर्थडे, बट आज कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि मैं बाहर चली गई थी आज 13वीं में, और मैक्सू को मैंने सुबह नहला दिया था इसी वजह से। और मैंने ये पनीर, हाँ ये मैक्स के लिए पनीर लेने गए हैं भाई, आज मैक्सू पनीर खाएगा क्योंकि केक वगैरह ठीक नहीं होता इनके लिए, और इसलिए पनीर मैक्स का फेवरेट है और हेल्दी भी है मैक्स के लिए। और मैक्स आज ऐसी हरकतें कर रहा है, ये पता नहीं उसको ये लगा कि ये तैयार हो रहे हैं तो मैं भी जाऊँगा, पर अब लेट गया है वो। तो देखो ये कैसे लेटा हुआ है, ये सब जानता है मैक्सू, सब जानता है ना, मैक्सू को हैप्पी बर्थडे जरूर विश करना कमेंट में, जो भी मैक्स को प्यार करता है, जो भी मैक्स को पसंद करता है, तो उसकी वीडियोस वगैरह देखी हो और उसको पसंद करता है, तो उसको प्लीज़ हैप्पी बर्थडे जरूर विश करना, बहुत प्यारा है मेरा मैक्सू। आज एक साथ पनीर आ गया भाई, मैक्स के लिए पनीर आ गया भाई, रात को बाद में खिलाएंगे, अभी नहीं मैम खिला, मैं खाया अभी पनीर, मिक्स करो दुख दे, मिक्स करो पनीर, अभी दे अभी दे, मैं बच्चा कुकु। बस फिर मैक्स को पनीर वगैरह खिला के हम लोग आगे थे, मतलब दीदी के यहाँ पे, और डायरेक्ट वहीं का ही सीन है ये दीदी के घर का। और फिर वहाँ आके हमने, मतलब टाइम तो काफ़ी हो गया था, बट हमने वहाँ पे खाना वगैरह खाया, नाश्ता नहीं, सीधा हमने डिनर ही किया था, खाना ही खाया था क्योंकि 10:10 o'clock हो गया था टाइम। हाँ फिर हम वहाँ से आए थे 12 बजे के आसपास, फिर आके हमने मैक्स को दोबारा से पनीर वगैरह खिलाया, दोबारा से कैंडल लगाई, बट मैं उसका शॉट नहीं बना पाई थी। और यहाँ पे ये खा रहे थे गुजिया, दीदी के यहाँ जाते तो मैं मना कर रही थी कि आप क्यों खा रहे हो इसको, एकदम अति मीठा खा रहे हो, तो कह रहे थे भूख लग रही है, आज जल्दी खा लिया था तो भूख लग गई, तो मुझे भी खिला रहे थे कि तू भी खा के देख अच्छी है। फिर बस यहाँ पे एक थी बहुत प्यारा पेट था, उसका नाम था जिनी, और ये कुकू बताएगा इसको अडॉप्ट किया था क्योंकि इसके जो मालिक हैं वो एक्सपायर हो गए थे। तो ये चीनी बड़ी प्यारी सी, बहुत क्यूट थी, और सबकी गोदी में ऐसे ही रह रही थी बिल्कुल, मतलब बिल्कुल शांति से, बिल्कुल भी इसने कुछ नहीं कहा, मैंने भी इसको गोदी में लिया था, और आप देखें बहुत प्यारी सी है।
इसमें कप निकलवा के यू है इसमें क्या उल्टा हो रहा है ये कप। और फिर ये है नेक्स्ट डे का होली वाले दिन का। तो होली वाले दिन इवनिंग में हम लोग जाते हैं होली दिवाली पे बेरी वाले बाबा जी के यहाँ पे। तो वहाँ पे हम पूजा करने के लिए जाते हैं, तो वहीं पे जा रहे थे हम ग्रेटर नोएडा। और वहाँ पे जब जा रहे थे तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे वीडियो बना लिया था, क्योंकि पूरे दिन काम वगैरह किया था। पूजा होती है होली के दिन, तो दिन में तो वही है कि मैं कुछ बना ही नहीं पाई। और यहाँ पे देखो होलिका दहन के लिए वो मतलब बनाया हुआ था होली का। और फिर यहाँ पे पूजा हमने बेरी वाले बाबा जी के यहाँ पे पूजा की, और बहुत प्यारा मतलब कर दिया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है, बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे हो। और ये हैं बाबा जी, बेरी वाले बाबा। और इन्होंने जिस पेड़ के नीचे तपस्या की थी ना, बेर के पेड़ के नीचे, सच में वो पेड़ आज भी ऐसा ही है, हमेशा हरा भरा रहता है। 12 मास नीचे से सूखा पड़ा है बिल्कुल, और ऊपर से उसमें हर टाइम पत्तियाँ आती रहती है, हरी हरी हरा भरा रहता है। फिर यहाँ से हमने गेहूँ के बाल लिए, क्योंकि होलिका पे गेहूँ के बाल मतलब जलाए जाते हैं, फिर उसको खाया जाता है ना थोड़ा सा भून के। तो वही हम यहाँ पे बाल ले रहे थे, यहाँ पे दीदी भी और मैं भी, क्योंकि मंदिर में ही थे पीछे, वहाँ पे हमारे खेत भी है, बट हमने फिर मंदिर में ही से ही सब ले लेते, तो वहीं से ही ले लिए थे। और फिर हम लोग आ गए थे घर पे, पूजा वगैरह भी की थी। और फिर आप देखना पूरा ब्लॉग, बहुत अच्छा है। मैक्स के साथ भी हमने मस्ती की आके, और होली का दहन में क्या आग लगी थी, अग्नि कितनी तेज थी, तो आप देखना। ये चार है, ये 20 से 10 से भी ज्यादा है। ये कैसे चार के है? बहुत अच्छा है। अरे गया तो दिन ये चले यार, ये जो मम्मी दूपत्ती पकड़ी, दूपत्ती कहां जा, दूपत्ती दूपत्ती हंस ले रहा है, ये चाहिए है। अरे चार ले दे, हंस चार लाया, चार हंस ले रहा है, लिया ले लिया ले लिया इधर 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 आ कुकु किट्टू, चलो बस चलो, डाल दे यहीं डाल दे। अरे ये क्यों मार रहा है तू, ये तो वैसे परेशान हो रहा सुबह, अब तो रहने दे चल। बट इन पे खेलना नहीं आ रहा किसी पे ना, तेरे पापा जाके मारते हैं छक्का, जाओ जाओ मेरे विराट कोहली। पता नहीं बेटा, देख ले एक बार, चेक कर ले। ठीक है, हाँ ठीक है। मामा तो बेचारे के मुंह पे कह रहे हैं, लड्डू लड्डू एक बार दिखा दे, देख लेना। ये मामी बड़ा बिगड़ा है, मम्मी ने क्या सैंड की है, बताओ तू क्या बोल दी बेटा, जा तुम भी जाओ, हो गई अभी चलो जाओ बाल ले। हां सांड लड़ने वाले हैं, लड्डू को भी दे, लड्डू को भी दे, तीन तीन सांड आ गए, लगाएंगे लगाएंगे दे दे। हां दे भैया, क्या बोल रहा है, लाओ दे सब ले लो ना थोड़े थोड़े, तो पिट्टू को भी दे। अरे अरे एक नहीं बहुत सारे दे, अरे ब्रश लैब किस करनी है ब्रो, हैं ब्रश लैब का करना है आपका, मम्मी इन सबको जला दूँ? नहीं जलाते नहीं, रुक जा रुक जा, जैसे एक आंटी जी कर रही है ना, नहीं उसको लेके उसको थोड़ा सा जला के और फिर वापस ले लेते हैं। स्नैपचैट तूने मेरी वीडियो बनाई हो, मेरी है इतनी ऊंची, देख ऊपर, देख ऊपर तक पूरा, चलो परिक्रमा लगा लेंगे यहाँ ना, चिंगारी भी उठ जाती है। हाँ पीछे किट्टू, हंस कहाँ है,
कैसे हो? तपस हो रही है अभी बहुत ज्यादा इसकी। मैं जा रहा हूं ना। नहीं चल रहे हैं भैया, लड्डू को और गन्नू को तो देख ले। और ये होली के दिन भाई, सब होली वगैरह खेलने के बाद शाम को 6 बजे के समथिंग हम लोग थक गए, तो ना नाव आके हम लेट गए थे थोड़ा सा, और फिर बाद में इवनिंग में हमने डीजे चला लिया था और बच्चों ने और इन्होंने और माँ जी ने, बच्चों की माँ जी ने सब ने इतना अच्छा डांस किया ना, और इतना ये भी करने लगे पूरा मस्ती में, तो बहुत अच्छा डांस, और सबका मन कर रहा था, फिर मैंने भी किया था, मतलब सब ने हमने डांस किया और बहुत अच्छा डांस किया। ये देखो पूरे मटक रहे हैं बच्चे, ये पापा बेटा दोनों, इन दोनों की जोड़ी ना डांस में बड़े एक दूसरे को टक्कर देते हैं, ये पूरे किट्टू भी नहीं थकता और ये भी नहीं थकते, और अपना शरीर ऐसे कर देंगे, हिला देंगे पूरी तरह से, और इतना डांस चाहे कितनी देर डांस करा लो, इतने पसीने में तर हो गए थे बिल्कुल। और मम्मी का भी पूरा मन कर रहा था, बट उनको थोड़ा पेन हो रहा था तो इस वजह से मम्मी ज़्यादा नहीं कर पा रही थी, बट यही है कि पूरा इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे मैं खा रही थी जब शाम को चोको पाई, तो मैक्स ऐसे कर रहा था कि बस इसको भी खानी है, और बिल्कुल अभी तो मैं उसको थोड़ा सा सता रही थी, उसके साथ मस्ती कर रही थी, तो देखो कितना क्यूट लग रहा है, मतलब जहाँ मैं चोको पाई लेके जा रही हूँ वहीं इसकी आँखें और पूरी जीभ अपनी चला रहा है ये पूरी तरीके से कि बस लपक लो, तो मतलब इतने अच्छे से इसने कैच किया ना, इसकी नज़र मतलब एक टारगेट इसने अपना सेट कर लिया कि हाँ मुझको लेनी है, तो मैंने जैसे ही छोड़ा उसने एकदम से कैच कर लिया, वो बहुत प्यारा सीन है ये देखना आप लोग। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मैं बस यहीं पे समाप्त करती हूँ व्लॉग को, और इसी के साथ ही गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।